हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लैक्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कि फ्लैक्स से कैसे हम अपने डाटा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ्लैग को जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैग से आप अपने डाटा को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर नेगेटिव फ्लैग का यूज़ करता हूँ और किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपके पास ये टेबल होनी चाहिए क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इन्हीं तरह से फ्लैग से यूज़ करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। जो माइनस क्या करता है, वो आपके जो डाटा होता है उसको लेफ़्ट जस्टिफाइड करता है। अब लेफ़्ट जस्टिफाइड का मतलब क्या है कि वो पहले डाटा को रखेगा, फिर स्पेस बाद में इंक्लूड करेगा, ठीक है। पहले आएगा डाटा, फिर आएगा स्पेस। जब हम माइनस यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में पहले क्या होता है कि स्पेस स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, फिर आपका जाके डाटा आपका आता है, ठीक है। जबकि जब हम माइनस यूज़ करते हैं तो पहले डाटा आता है फिर स्पेस आता है, ये चीज़ ध्यान रखते हैं आप। फिर हम सेकेंड यूज़ करते हैं प्लस। प्लस साइन क्या करता है, जो आपके साइन होते हैं, ठीक है, जब ऐसे पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव साइन दिखाएगा, और यहाँ जो आपका नेगेटिव नंबर होगा उसके लिए नेगेटिव साइन दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर हम यूज़ करते हैं ज़ीरो का। ज़ीरो इसलिए यूज़ होता है कि ये आपका क्या करता है, कोई ज़ीरो ऐड करता है, ज़ीरो को ऐड करेगा ये, ठीक है। और इसकी एक कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो आपका डाटा होना चाहिए वो राइट जस्टिफाइड होना चाहिए। डाटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट जस्टिफाइड। अब देखिए राइट जस्टिफाइड मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पेस पहले आएगा फिर डाटा आएगा, वो आपका राइट जस्टिफाइड होता है क्योंकि राइट में है आपका डाटा और स्पेस पहले है। लेफ़्ट जस्टिफाइड में क्या होता है, लेफ़्ट जस्टिफाइड में पहले डाटा होता है फिर आपका स्पेसेस आते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करने होते हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो जो ऐड करेगा स्पेस की जगह पर, यहाँ पर जब जीरो आप लगाएंगे तो जीरो ऐड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो डाटा है वो राइट जस्टिफाइड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसके बाद मुझे मिलता है, जो फ्लैग मिलता है वो होता है हैश। और हैश दो तरीके से काम करता है, एक आता था ओ टाइप कन्वर्जन के लिए, आता है एक्स टाइप के लिए, मतलब एक आता है ऑक्टा के लिए और हेक्सा के लिए, ठीक है। एक फ्लैग तो इन दोनों के लिए काम करता है। एक फ्लैग काम करता है आपका जो ई टाइप, एफ टाइप और जी टाइप कन्वर्जन होता है, तो ये ई, एफ और जी टाइप के कन्वर्जन के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी आप कन्वर्जन में इस तरह से लिखते हैं जैसे मॉड, ठीक है, 8 और मैंने ओ लिखा, तो ये क्या करेगा, जो आपका ऑक्टा नंबर है, ठीक है, जो ऑक्टा नंबर है उसके आगे ए ऐड नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा मॉड 8 एक्स, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओ और जो एक्स होता है, जीरो और एक्स, ये जीरो है, ठीक है, मैं इसको ओ बोल रहा हूँ, तो जीरो एक्स इनको ये ऐड नहीं करता है। लेकिन जब आप हैश यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, जीरो और जीरो एक्स, ये आपके ऑक्टा के लिए ऐड करता है और ये आपके हेक्सा के लिए ऐड करता है। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। उसके बाद ई एफ जी कन्वर्जन में क्या होता है, जब हैश आप अभी से यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, जबकि फ्लोटिंग नंबर होता है, अगर वो होल नंबर भी है ना, ठीक है, अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है 12, ठीक है, तो इससे ये किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ये 12.0 डॉट लगा देगा, ठीक है। जीरो तो ऐड नहीं करेगा लेकिन डॉट तो पक्का लगाएगा, ठीक है, हैश, इसकी वजह से डॉट आता है। तो ये हम दोनों अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। फ्लैक्स का कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ली है और जो वर्ड मेन है ये इसका ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंट मैंने लिया है एक इंटीजर नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक के वैल्यू ली है जो कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, एक जे वैल्यू है, ये आपकी ऑक्टा है, ठीक है, ऑक्टा, और ये हेक्साडेसिमल है। फिर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया है 12.0 और मैंने वाई की वैल्यू लिया है -3.3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट टाइप मैंने कराया है 6D, तो ये क्या कर रहा है, मिनिमम 6 वैल्यू होनी चाहिए। 7.0F, इसका मतलब क्या है, मिनिमम 7 वैल्यूज़ होनी चाहिए और ये डेसिमल को काउंट करेगा, ठीक है। फिर 10.1, मतलब टोटल मिनिमम वैल्यू 10 होनी चाहिए और डेसिमल के बाद एक आपकी वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने ई टाइप का यूज़ किया है कन्वर्जन टाइप और यहाँ पर एफ टाइप का, ठीक हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रिंट टाइप में मैंने माइनस का 6D यूज़ किया है और माइनस का 7.0 यूज़ किया है और माइनस का 10.1 यूज़ किया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है पहले ये देखते हैं, फिर बाकी का कोड देखेंगे। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर की दो लाइन है ये आपके पहले दो लाइन का कोड है। सबसे पहले तो यहाँ पर जब मैंने 6 लिखा डी लिखा, तो यहाँ पर हमारी तीन ही वैल्यू थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 6 वैल्यू होनी चाहिए, तो इसने कि मुझे क्या क्या 3 स्पेस आगे से ऐड करके दे दिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइट जस्टिफाइड डाटा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था राइट जस्टिफाइड डाटा क्या होता है, जिसमें राइट में आपका डाटा आता है, उससे पहले स्पेस आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो, वहाँ पर मैंने 7.0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, डेसिमल के बाद 0 वैल्यू आएंगे, तो यहाँ डेसिमल नहीं दिया है इसने। ठीक है, और उससे पहले 7 वैल्यू, तो 2 वैल्यू तो ये होगी और 5 स्पेस इसने इंक्लूड किए हैं इसने। उसका 10.1, तो 10.1 इसने क्या किया है, तो मिनिमम 10 वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, निगेटिव भी इसमें काउंट होगा, पॉइंट भी काउंट होगा, ई भी काउंट होगा, प्लस भी काउंट होगा, और जो जीरो है वो भी काउंट होंगे, तो टोटल मिला के 10। और डेसिमल के बाद मैंने 1 वैल्यू दी थी, तो इसने डेसिमल के बाद सिर्फ 1 वैल्यू दी है 3। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ऐड होगा। लेकिन अगर सेकंड लाइन पर आप देखें, जब मैंने माइनस यहाँ पर फ्लैग का यूज़ किया है, तो माइनस फ्लैग क्या करता है, आपके डाटा को लेफ़्ट जस्टिफाइड करता है, मतलब पहले डाटा रखेगा फिर स्पेस रखेगा, तो इसने स्पेस क्या कर रखा है, आपके बाद में ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो एक स्पेस आपके पहले ऐड हो रहा था यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर नीचे बाद में ऐड हो रहा है। ठीक है, ये 2 लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम और समझते हैं। उसके बाद देखिए इस लाइन पर हम लोग आ जाते हैं 38 लाइन पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लस का यूज़ किया है। ठीक है, प्लस क्या करता है, आपके जो साइन होते हैं उनको शो कराता है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये प्लस क्या करेगा, साइन को शो करवाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मैंने माइनस और प्लस दोनों साथ में यूज़ किए हैं, दोनों फ्लैग्स। इसका मतलब क्या है कि माइनस क्या करेगा, जो आपकी डाटा है उसको लेफ़्ट जस्टिफाइड करेगा, पहले डाटा रखेगा फिर स्पेस ऐड करेगा, और प्लस क्या करेगा, इसमें साइन बताएगा। ठीक है, इन दोनों कोड को रन करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हमारा डाटा शो हो रहा है। जो हमारी 38 और 39 लाइन है, यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम 6 वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 और 6, तो इसने प्लस को भी काउंट किया है यहाँ पर इस केस में। तो 4 तो हमारे ये हो गए प्लस 1 2 3, और फिर 2 स्पेसेस इसने ऐड किए हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने प्लस का साइन दिया है, तो ये साइन दिखा रहा है सब में। ठीक है, उसके बाद माइनस वाले में अगर हम बात करें 39 वाले कोड में, तो यहाँ पर जो स्पेस है वो बाद में ऐड हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम बात करेंगे 40 और 41 की। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 7.0 लिखा हुआ है, फिर हैज़ मैंने 7.0 लिखा हुआ है, फिर जी लिखा हुआ है, जी टाइप कन्वर्जन यूज़ किया है मैंने, और फिर मैंने हैज़ जी टाइप कन्वर्जन यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 8 O लिखा हुआ है, 8X लिखा हुआ है, ये आपका ऑक्टा और हेक्सा के लिए है, और फिर मैंने हैश लगाया है, और मैंने ऑक्टा फ्लैग भी यूज़ किया है, और मैंने हेक्सा फ्लैग भी यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो 7.0, तो यहाँ पर इसने मुझे स्पेसेस ऐड करके दिए। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने यहाँ पर हैश यूज़ किया है 7.0 में, तो यहाँ पर इसने मुझे डॉट इंट्रोड्यूस करके दिया है, जबकि इससे पहले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था। तो हैश क्या करता है, आपके जो पॉइंट होता है उसको भी इंक्लूड करता है, तो यहाँ पर इसने इंक्लूड करके दिया है हैश ने। उसके बाद मैंने यहाँ पर जी टाइप कन्वर्जन यूज़ किया, मैंने आपको बताया था जी टाइप क्या करता है, मिनिमम करता है। जो हमारा डाटा था वो 3.3 था, -3.3, तो उसने मुझे उतना ही डाटा दिखाया है। उसके बाद 7 मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि मुझे 7 क्या चाहिए, 7 स्पेस चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर इसने मुझे क्या किया है, जो स्पेसेस ऐड किए हैं ये स्पेस से ना ऐड करके 0 से ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ओ यूज़ किया, तो ये मुझे ऑक्टा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो जे है हमारा, अगर आप देखें जे वो ऑक्टा नंबर है विदाउट 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप कन्वर्जन यूज़ करते हैं, तो जब ओ टाइप आप कन्वर्जन यूज़ करते हैं तो 0 होता है, वो आगे से इंक्लूड नहीं होता है। उसी तरह से एक्स में भी देखिए, हमारा जो एक्स और 0 और एक्स लिखा हुआ आता है वो भी इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मैं हैज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो हैज़ क्या कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि ये आपका ऑक्टा है, तो इसने यहाँ पर 0 इंक्लूड किया हुआ है। उसी तरह से जब मैं एक्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऑक्टा नंबर है। ठीक है, तो ये फ्लैग्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और यहाँ पर देखिए ये फ्लैग्स सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं, कैरेक्टर्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया वो कैरेक्टर्स का ही लिया है, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर यह वाला कोड आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया है, ठीक है, एरे टाइप का, जो कि क्या है, जिसमें हमने नेम लिखवाया है सदाशिव। ठीक हो गया, सदाशिव लिखवाया है। उसके बाद प्रिंट एफ, और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है, $15s लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मिनिमम 15 तो आपका होना ही चाहिए। नेगेटिव का यहाँ पर मैंने नेगेटिव फ्लैग यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने 6.4s यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था किस तरह से काम करता है पॉइंट, जब आप किसी भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स में लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, चार वैल्यू लेगा, चार कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, लेकिन टोटल स्पेस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 4 तो कैरेक्टर हो गए, फिर ये क्या करेगा, 2 स्पेसेस आपके ऐड कर देगा। ठीक है, इसको रन करें। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 15 कैरेक्टर बोला था मैंने, तो सदाशिव आया और फिर स्पेस आगे से आपके ऐड हुए। उसके बाद मैंने माइनस का लगाया तो यहाँ पर इसने स्पेस जो है बाद में ऐड करके दे दिए। और यहाँ पर 6.4 जब मैंने किया तो इसने क्या करा, सदा लिखा, ठीक है, क्योंकि पहले के 4 वर्ड लिखे सदा, उसके बाद इसने आपके 2 स्पेसेस और ऐड किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कैरेक्टर्स में भी फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप फ्लैग्स कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।